नमस्कार दोस्तों, हमारे एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम इस हाथ का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे क्या क्या विशेषताएं इनके हाथों में। तो सबसे पहले बात करेंगे इनके हाथ के कलर के बारे में। तो देखिए पिंकिश कलर का हाथ है। देखिए पिंकिश कलर का हाथ बहुत ही शुभ लक्षण व्यक्ति को देता है, शुभ रिजल्ट देता है, व्यक्ति के जीवन में ढेर सारा धन देता है और उसके साथ रिलेशनशिप के मामले में ये एक अच्छा हाथ माना जाता है। व्यक्ति के अच्छे रिलेशन मेंटेन रहते हैं अपने परिवार के साथ, अपने निकटतम रिश्तेदारों के साथ। उसके बाद में देखते हैं कि इनके हाथों में सबसे पहले विशेष बात के विशेष जो चिन्ह है या फिर जिस पर्वत के बारे में हम बात करना चाहते हैं वो है शुक्र पर्वत। देखिए शुक्र पर्वत बहुत ही ज़्यादा उभार लिए है। इसका मतलब ऐसे व्यक्ति की जो फैशन की सेंस है वो बहुत ही अप्रतिम होती है, अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति फैशन सेक्टर में काम भी अच्छा कर सकता है। फैशन के ऐसे व्यक्ति को पहचान अच्छी होती है, लेटेस्ट ट्रेंड कौन सा है या फिर किसी व्यक्ति को किस प्रकार की ड्रेस पहननी चाहिए, क्या उसके ऊपर सूट करता है क्या नहीं कर सकता, ये अच्छा जज कर सकते हैं। अपने आप को भी ये उसी तरह ठीक रख सकती है। उसके साथ जो भी अट्रैक्टिव चीज़ें हैं, लग्जरियस चीज़ें हैं, गाड़ी बंगला मकान, ये सारी चीज़ें ऐसे व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। जीवन में ये जो भी जिस भी लग्जरियस चीज़ों के पीछे इनका अट्रैक्शन रहेगा वो उनको जीवन में हासिल होगी, क्योंकि लग्जरियस चीज़ें इनकी तरफ अट्रैक्ट होगी। ऐसे इनके हाथों में एनर्जी लेवल भी ऐसे व्यक्ति की अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति फेम इंडस्ट्री में ऐसे व्यक्ति का अच्छा अपना करियर बना सकते हैं। ऐसे व्यक्ति यूट्यूब इंस्टाग्राम वहाँ पे भी ऐसे व्यक्ति प्रसिद्धि पा सकते हैं। ऐसे इनके हाथों में हमें चिन्ह नज़र आ रहे हैं। उसके बाद में देखिए ये जो मिडल क्षेत्र है अंगूठे का, अंगूठे के देखिए अंगूठे की लेंथ बहुत ही ज़्यादा है, ये तो सबसे अच्छी बात मानी गई है। इस वजह से व्यक्ति की महत्वाकांक्षा बहुत अच्छी होती है, निर्णय क्षमता अच्छी होती है, ये अच्छे एडवाइज़र भी बन सकते हैं, निर्णय भी अच्छा दे सकते हैं किसी को। इसलिए इनके हाथों में महत्वाकांक्षा, अच्छा निर्णय क्षमता ये इनके हाथ में है। उसके साथ ही ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा होशियार है। ये इनका मिडल ये जो पर्व है इससे पता चल जाता है कि ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा होशियार है इनकी और नॉलेजेबल इंसान हो सकता है। ये इनके हाथों में हमें चिन्ह दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए जैसे कि शुक्र पर्वत बहुत ही अच्छा डेवलप हुआ है, वैसे इनका गुरु पर्वत ये देखिए बृहस्पति पर्वत, और ये बृहस्पति की उंगली तर्जनी उंगली ये झुक रही है मिडल फिंगर की तरफ, इसमें यहाँ पे नेचुरल गैप बन रहा है। ये दर्शाता है कि व्यक्ति ज़्यादा खर्चीला होता है, हाथ में ठीक तरह से पैसे टिकते नहीं, बार बार कोशिश करने पर भी व्यक्ति जिस प्रकार से पैसा संचय धन संचय करने की कोशिश करता है वो होता नहीं इनके हाथ में। और देखिए गुरु पर्वत इनका ज़्यादा दबा होने के कारण कभी कभी सेल्फ डाउट, सेल्फ इनको जो भी अपने आप पर कभी भरोसा नहीं रहना, आध्यात्मिक चीज़ों में उतनी सफलता ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलती, वैवाहिक जीवन में कभी कभी तकलीफें भी गुरु पर्वत वीक होने के कारण व्यक्ति को देता है, एजुकेशन में प्रॉब्लम भी देता है। ऐसे इनके हाथों में गुरु पर्वत हमें दिख रहा है। यहाँ पर विशेष रेखाएं ये है कि गुरु मेखला हमें नज़र आ रही है, उसके साथ ही प्रोग्रेस लाइन गुरु पर्वत से निकल रही है। यहाँ पे त्रिकोण निशान बन रहा है, त्रिकोण निशान बनना बचपन में व्यक्ति का प्रोग्रेस अच्छा दिखाता है, वहाँ पे अर्ली सक्सेस भी इनके हाथों में दिखाई देती है। उसके बाद में देखिए मध्यमा उंगली स्ट्रेट बन रही है, और यहाँ पे देखिए ये जो इनकी भाग्य रेखा दिखाई दे रही है, भाग्य रेखा का एक ब्रांच जा रही है गुरु पर्वत की तरफ और एक सूर्य पर्वत की तरफ, ऐसा लास्ट में त्रिकोण का निशान बनना बहुत ही शुभ माना गया है। ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति का लेटर हाफ ऑफ लाइफ या फिर ऐसे जिसे हम कह सकते हैं कि आफ्टर द एज ऑफ 50, जब ऐसे व्यक्ति इनके बच्चे बड़े हो जाते हैं
और ये कभी कभी उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। इस समय में ऐसे व्यक्ति का जीवन बहुत ही अच्छा जाता है। ये ना केवल मान प्रतिष्ठा सम्मान धन के मामले में अच्छा माना गया है, बल्कि उसके साथ ही इनके बच्चे इनकी तरफ विशेष रूप से ध्यान देते हैं और इनका बुढ़ापा अच्छा गुजर जाता है। ऐसे ये वीकर साइन जिसे हम कह सकते हैं, वो एक बहुत ही लकी चिन्ह है। इनके बेटे इनका अच्छा नाम करेंगे और इनके इनके प्रति विशेष रूप से ध्यान देंगे, ऐसे इनके हाथ में रेखा नज़र आ रही है। उसके बाद में उंगलियों पर देखिए सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आना, ये बहुत ही अच्छा साइन माना गया है। ऐसे व्यक्ति दिल से बहुत ही अच्छे हैं और इनका नेचर अच्छा है, इस वजह से इनका नाम भी होता है। इनकी हृदय रेखा देखिए, देखिए हृदय रेखा सीधी जा रही है, तो ये सीधी हृदय रेखा जाना ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत ही साफ होते और बहुत ज़्यादा इमोशनल होते, ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल इनके हाथ में ये दिखाई दे रहे हैं। और इस वजह से ऐसे व्यक्ति को धोखा, पैसों के मामले में धोखा तो आम बात इनके हाथों में दिखाई दे रही है, उसके साथ ही इनके हृदय रेखा पे आयरलैंड के निशान बनना, आयरलैंड के निशान बनना ये दर्शाते हैं कि ऐसे व्यक्ति इनको दिल पे चोट लगने वाले बहुत करीबी लोग इनके साथ व्यवहार करते हैं, जिस वजह से इनको इमोशनली ब्रेकडाउन होते हैं और इस वजह से इनकी हेल्थ भी ख़राब होती है। लो ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन हो सकता है, या फिर ब्लड रिलेटेड, शुगर रिलेटेड बीमारी ऐसे व्यक्ति को हो सकती है। आँख संबंधी भी रोग इनके हाथों में दिखाई दे रहा है, इसलिए ऐसे व्यक्ति ने ज़्यादा इमोशनैलिटी, थोड़ा दिल से स्ट्रांग होने की ज़रूरत होती है। और जो भी इनको सदमे में लगते हैं लाइफ में, अपने लोग इनको जब धोखे देते हैं, इस वजह से ऐसे व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहीं से क्रिएट हो जाती है। उसके बाद में देखते हैं कि इनके हाथों में यहाँ पे हीलिंग लाइन्स मौजूद हैं। भले ही इनकी छोटी उंगली छोटी है, लेकिन इनके हाथों में हीलिंग लाइन्स यहाँ पे मौजूद है। ये दर्शाते हैं कि ऐसे व्यक्ति अच्छे काउंसलर बन सकते हैं, लोगों की अच्छी हेल्प कर सकते हैं, लोगों को अच्छी सलाह दे सकते हैं। इनको गाइड करना दूसरों को अच्छा लगता है, ये अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं या फिर अपने फैमिली में किसी को गाइड कर सकते हैं, जिस वजह से दूसरों के दुख दर्द ये बांट सकते हैं, उनके दुख दर्द मिटा भी सकते हैं। ये अच्छा साइन इनके हाथों में दिखाई दे रहा है, लेकिन अपने आप को मैनेज करना ऐसे व्यक्ति को कभी कभी इम्पॉसिबल लग जाता है, क्योंकि विचार वैचारिक रूप से ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। किसी भी विचार को, छोटी बात को लेकर डीप थिंक करना ऐसे ऐसे व्यक्ति में इनके हाथों में नज़र आ रहा है। उसके साथ ही ये जो इनके शनि रेखा, जिसे फॉर्चून लाइन धन रेखा दिख रही है, ये और एक बात दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति उनकी शादी जल्दी हो जाती है, कम उम्र में शादी हो जाती है। और कभी कभी ऐसे व्यक्ति को, और फॉर्चून भी ऐसे व्यक्ति का जल्दी ही हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसे व्यक्ति को लग जाता है कि वो अपने करियर के ऊपर ठीक तरह से ध्यान नहीं दे पाए। शनि पर्वत पर बनने वाला क्रॉस का निशान व्यक्ति को, चंद्र पर्वत पर बनने वाला क्रॉस का निशान व्यक्ति को मानसिक रूप से थोड़ा वीक बना जाता है, ज़्यादा वैचारिक कल्पना शक्ति ऐसे व्यक्ति की ज़्यादा बन जाती है, टेंशन, मानसिक टेंशन भी व्यक्ति को दिला देता है, इमोशनैलिटी और अपने आप को कंट्रोल ना कर पाना ऐसे इनके हाथों में चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से बीच बीच में कहीं इसके हाथ में येलो कलर के साइन दिख रहे हैं। उसके बाद में इनके हाथों में हमें दिखाई दे रहा है कि देखिए जीवन रेखा पे बीच बीच में आइलैंड के निशान, पर्सनल लाइफ और हेल्थ वाइज प्रॉब्लम इनके हाथों में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आफ्टर द एज ऑफ 43 इनके हाथों में यहाँ एक त्रिकोण का साइन और यहाँ एक त्रिकोण का साइन, ये दर्शा रहा है कि आफ्टर द एज ऑफ 45 से आगे लगभग 57 तक ऐसे व्यक्ति के जीवन में गोल्डन पीरियड रहेगा। ये त्रिकोण व्यक्ति को धन के मामले में, पर्सनल लाइफ के मामले में, पारिवारिक सभी खुशियाँ इनके हाथों में दिखा रहे हैं और जो भी इनकी इच्छा आकांक्षा है वो इसी समय में पूरी होगी, ऐसे इनके हाथों में दिखाई दे रहा है। जो प्रॉपर्टी के मामले में, धन के मामले में एक अच्छा साइन दिखा रहा है, और जहाँ पे व्यक्ति जीवन में
खुशहाली से जीवन कटाए उसकी अच्छी हो जाएगी। और हेल्थ वाइज भी देखिए, जो आइलैंड के निशान ऊपर की तरफ बन रहे उसके बाद यहाँ पे देखिए बीच में थोड़ा हेल्थ वीक होने के साइन दिखाई दे रहे हैं 45 तक, उसके बाद में जीवन रेखा अच्छी दिखाई दे रही है जो दर्शाती है कि हेल्थ में भी सुधार आएगा, एनर्जी लेवल ऐसे व्यक्ति की बढ़ेगी और ऐसा व्यक्ति जिंदगी हंसी खुशी से जी पाएगा। क्योंकि कभी कभी इनका मूड ज़्यादा इजीली डाउन हो जाता है, दुख जल्दी मान लेते हैं, ऐसे इनके हाथों में चिन्ह नज़र आ रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।